हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज कोई ब्लॉक नहीं है। जो हम पटर का जो भड़वा बना के खाते हैं ना अपने घर में, तो आज वही रेसिपी है, लेकिन अनोखी और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो में आपको आज बताई जाने वाली है। और जो आज रेसिपी है, रेसिपी की जो भी सामग्रियाँ हैं वो मैं आपको कढ़ाई में डालते ही मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा कढ़ाई गरम हो रहा है और हमने यहाँ पे तेल गरम करके हल्दी डाल दिया है, और हल्दी डाल के फिर यहाँ पे हल्दी गरम हो गया है तो हमने यहाँ पे बटर को भूनने के लिए डाल दिया है। और आशा करते हैं कि अगली वाली वीडियो में आपको ब्लॉग देखने के लिए मिले, तो उसका मैं रीज़न भी बताऊंगी कि आज आपको ब्लॉग क्यों नहीं देखने के लिए मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बटर है वो भून चुका है, ठीक है ना। इतना भून जाना चाहिए कि वो फ्लफी सा होने लगे, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से जो उसमें तेल और जो भी हल्दी हमने डाला था वो अच्छे तरीके से घुस के अच्छे तरीके से भूनना चाहिए। और यहाँ पे हमने डाल दिया है जीरा पचफोरन, तो हम जीरा पचफोरन को डालते हुए बड़ी इलायची और छोटी इलायची को डाल देंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए, ठीक है ना, जो भी सब्जी में है। तो ये रेसिपी ज़्यादा जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या फिर आप स्पाइसी खाना नहीं भी पसंद करते हैं तो आप कम तेल मसाला में बना सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये रेसिपी जो ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं या फिर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है मिर्च और लहसुन, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनेंगे और भूनने के बाद हम एक वन बाय वन जो हम इसमें डालेंगे मसाले वो आपको बताते जाएंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे प्याज डालेंगे, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, ठीक है ना, ब्राउन होने तक। तो ब्राउन होने के लिए और गलने के लिए हम नमक डालते हैं, ठीक है ना। काफ़ी लोग नहीं डालते होंगे, ऐसे भून लेते होंगे, लेकिन अगर आप नमक डाल के भूनेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद निखर के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाल लिया हुआ है। और आज ब्लॉग इसलिए देखने के लिए नहीं मिलेगी, काम चल रहा है तो इसी के कारण आपको ब्लॉग देखने के लिए नहीं मिली, ठीक है ना। कोई अच्छा ब्लॉग आप के सामने हम प्रेजेंट करेंगे तो आशा करते हैं कि वो आपको अच्छा लगे। तो अब हम इसको इसको चला के ढक देंगे 15 मिनट भूनने के लिए। और यहाँ पे हमने लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है, तो देख सकते हैं, लहसुन का नहीं, वो जो इसमें पटर में जो भी दाने होते हैं ना उसी को हम मम्मी ने पीस लिया है सिल्वर टोड़े पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से भून लेंगे। देखिए भून चुका है, मतलब ब्राउन हो चुका है। और ब्राउन होने तक जैसे मैंने बोला था कि इसको पकाएंगे, वैसे हमने पका दिया है। और यहाँ पे जो हमने लहसुन और जो कि पटरों की दाने होते हैं ना उनको हम पीसा था उसको हम डाल लेंगे। और यहाँ पे एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना, हल्दी डाल देंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा ही हल्दी डाला था, ना के बराबर मात्र में वो पटर में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से भूनते जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक चम्मच मिक्स मसाला हमने ले लिया है। स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से मसाले को ले सकते हैं, ठीक है ना, इस स्वाद अनुसार, ठीक है ना। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो जो भी लहसुन और पटर के दाने का जो हमने पेस्ट बनाया था उसी में का पानी हम डालेंगे। कहीं अलग से हम पानी नहीं ऐड करेंगे, उसमें का जो पानी होता है ना वो अच्छे तरीके से इसमें स्वाद लेकर आएगा, ठीक है ना। अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुनने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप कर देंगे भुनने के लिए। तो देखिए भुन चुका है, मसाला भी अच्छे तरीके से पक चुका है और सारे मसाले आपस में मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और भुनेंगे, ठीक है ना, चलाते हुए, लगना नहीं चाहिए नहीं तो सब्जी का जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे और उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये देखिए कैमरा थोड़ा सा ये हो गया है, तो फिर हम इसको और भी अच्छे तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है हमसे, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन हम इसमें पूरी कोशिश किए हुए हैं कि हम आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ को दिखाएंगे। देखिए मसाला जब भून चुका है तो यहाँ पे हम अपने कढ़ाई को उतार के जो हमने पटर भुना था ना उसी को हम डालेंगे अपने जो कि
मसाले को जो है आँच पे ही नहीं डालेंगे, ठीक है ना। कढ़ाई को उतार के हम अपने बटर को डालेंगे और उसके बाद फिर से हम चढ़ाएंगे ताकि अच्छे तरीके से भून सके, ठीक है ना। और इसका स्वाद पूरा निखर के आएगा, आप देखिएगा। और मैंने क्लिप भी ली हुई है, तो आई होप, तो देखिए हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।